गाइस कैसे हो सब सो आई एम बैक नाउ आफ्टर लॉन्ग गैप फर्स्ट विथ सुदीप ऑडियो क्वेश्चन एंड आंसर थे सो आई होप ऑल एवरीबडी इज़ वेल एंड फाइन एंड सुपर इन दर हेल्थ आई वाज वॉज अप इन स्टूडियो मेकिंग प्रोसेस एंड ऑल दैट सो आई कुंड मेक माय वीडियो आल्सो बट देन यार टुडे आई थॉट चलो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन आंसर जो सुदीप ऑडियो पे मैंने uh, एक वीडियो जो आया था उसके रिलेटेड आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन ओवर देयर सो आई टर्न हेड ओवर देयर माईडर विद एवरी तो मुझे एक एक्चुअली ऑप्शन uh, मिला कि इन सारे लिस्ट में से आई कैन यू नो मैं सिर्फ दो तीन सवाल सेलेक्ट कर सकता हूँ बट मैं सोच रहा हूँ देखता हूँ जितने आंसर्स कर सकता हूँ मैं अंकित श्रीवास्तव

Uh, बाकी ब्रेकडाउन वीडियोज देखते रहो मालूम पड़ जाएगा उसमें रिवर्ब्स के भी आते हैं मैंने सबसे पहला वीडियो जो बनाया था लाइव किया था उसमें रिवर्ब से रिलेटेड बहुत इंफॉर्मेशन uh, है तो वॉच इट इट्स ऑफ दरिया सॉन्ग देन द नेक्स्ट इज आतिशय लॉजिक प्रो इज मच इक्वल टू प्रो टूल्स नो टू गेट ग्रेटली साउंडिंग ओके इट्स अबाउट हाउ वी हेयर एंड डू नॉट and do not the DAW, right we need to hear it from you okay so yeah definitely first thing is uh, human uh, it's not about DAW. Uh, it's about the person who's doing it and kissi okay. a gana mix keato logic produce protos in yeah whatever cube base near do in so uh, but second thing a core point i'll tell you over here that uh every DAW has a different character of its own uh, uh, logic का एक सोनिक कैरेक्टर है जो अलग है कंपेयर टू प्रो टूल्स एंड प्रो टूल्स का एक कैरेक्टर है जो डिफरेंट है कंपेयर टू क्यू बेस एंड यू एंडो एवरी एवरी डॉ हैज अ सर्टन कैरेक्टर बिकॉज ऑफ देयर एलगोरिदम सो इट डिपेंड सम पीपल आर कंफर्टेबल विद द विद द साउंड ऑफ लॉजिक सम पीपल आर कंफर्टेबल विद द साउंड ऑफ क्यू बेस सो डेफिनेटली डॉ हैज अ कैरेक्टर इफ यू वॉन्ट टू डू मोर रिसर्च ऑन दिस गो एंड फाइंड आउट देर देर आर कपल ऑफ वीडियोज ऑन यूट्यूब वेयर दे डिड द Where they did the mix with third-party plugins, and they use multiple DAWs to show, uh, what's the difference between the DAW sounding. It's it's okay. I mean, <laughs> used to go so mix. Kar sakte. Uh, Yogesh, it's really been great experience listening to you. Apart from learning all these stuffs, uh, sir, may I know how had your how had you manage your expenses when you reached Mumbai? And to be honest, according to you, how वन शुड मैनेज हिज हर एक्सपेंसिस वेन ही शी गेट्स इन टू अ न्यू सिटी यार ये तो बड़ा uh, अलग टॉपिक्स का क्वेश्चन है मैनेज अभी बजटिंग करो खर्चे बचाओ मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं uh, कम खाता था <laughs> जब आए तो फिर खाने लगा ठीक से तो दैट्स हाउ एवरीबडी यू नो मैनेज देयर एक्सपेंसेस आई डोंट नो हाउ टू आंसर दिस बट या यूल फिगर आउट योर ओन वे डोंट वरी Yogesh, while mixing, does EQing each and every track really beneficial? Uh, it's not necessary that you EQ each and every track uh, because sometimes you just got to do EQ on a different track which reflects the the pronunciation of other track. It's about uh, doing EQ on the right place, uh, and uh, it's not about how much you are doing, how much you are increasing or reducing. It's just about finding the right spots and uh, and you know doing the surgeries over there.

द रिक्वायर्ड लाउडनेस एंड डायनेमिक्स विद द रिक्वायर्ड एलिफेंस रीडिंग हसन हसन ये रिक्वायर्ड लाउडनेस मतलब मेरे मैं उतना ज़्यादा लाउडनेस और मीटरिंग के पीछे आई डोंट गो आई गो विद द फील ऑफ द सॉन्ग इफ दॉन्ग फील्स दैट इट इज़ काइंड ऑफ गेटिंग क्रश्ड एंड इट डजन नीड दैट मच ऑफ लाउडनेस सो आई जस्ट लीव इट ओवर द बिकॉज सॉन्ग है इट्स ऑल अबाउट सॉन्ग एलिफेंस रीडिंग एक एवरेज लोग रखते हैं मैं उतना चेक नहीं करता हूँ आई डोंट चेक इट मच बट दैन द डायनेमिक कंट्रोल एंड एवरी थिंग एवरी थिंग इज डिपेंडेंड ऑन योर मिक्स हाउ यू हाउ यू यू नो क्लीन इट हाउ यू मेक श्योर दैट द फेस कैंसलेशंस आर नॉट हैपनिंग बिटवीन मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स हाउ यू काइंड ऑफ यू नो पुट गैप्स एंड ट्राई टू फिट इन द इंस्ट्रूमेंट्स सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑन द मिक्स जस्ट बाई पुलिंग लिमिटर एंड ट्राइंग टू मेक इट लाउड विल मेक योर ट्रैक साउंड वेरी यू नो हार्श एंड ओवरकम्प्रेस एंड ऑल दैट स्टफ सो मिक्स पे डिपेंड करता है एक्चुअली प्रिय दर्शन सर आर ए प्रोड्यूसर एंड आई हैव वेरी लेस आइडिया अबाउट मिक्सिंग एंड मास्टरिंग सो माई क्वेश्चन इज हाउ प्रोड्यूसर शुड अप्रोच मिक्सिंग एज वेल एज मास्टरिंग इफ ही हैज एंड एनी चॉइस टू हायर मिक्स एंड मास्टरिंग इंजीनियर तो अभी यू नो

the musical aspect of uh, whatever is happening and needed in the song. so if you keep practicing, it will happen. Uh, there's no such formula. there's uh, formula in here. it's all about everything works different in every song. so, uh, so I, I kind of mix you know so many songs in a year or maybe in a month. and uh, for me, one one single eq on the same you know voice doesn't work on the other uh, song. तो जबकि अगर सिंगर भी सेम है तो भी वो दूसरे गाने पे काम नहीं करता है तो आई हैव टू टेक अ फ्रेश अप्रोच फॉर डूइंग ऑल दिस तो प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा अश्विन सो व्हाट इज दैट वन सीक्रेट दैट इंस्टेंटली लेट अस नो इट्स योर मिक्स व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट स्पार्कल आर देर एनी पैनिक सीक्रेट ओके अश्विन यू नो इट्स माय मिक्स बिकॉज यू लव मी सो मच <laughs> I, इसका क्या जवाब दो मैं इसका जवाब होगा कि मैं ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि आ, गाने को जितना ज़्यादा म्यूज़िकल रख सकूँ उतना ज़्यादा कोशिश करता हूँ ताकि आ, आप किसी स्पीकर में भी सुने छोटे बड़े बहुत बड़े और स्मॉलेस्ट ईयर यू आर लिसनिंग हेडफोन्स बिकॉज डिफरेंट स्पीकर एंड डिफरेंट हेडफोन्स विल हैव डिफरेंट फ्रीकुन्सी रिस्पॉन्स द वे आई से डॉ कैरेक्टर सो एवरी हेडफोन इट हैज़ ओन कैरेक्टर ऑफ इट तो उस कैरेक्टर डिफ्रेंस में भी एक जो म्यूजिकलिटी है गाने की वो कॉन्स्टेंट रहे सब जगह तो मे बी इट्स बिकॉज मैं म्यूज़िक पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ तो शायद मालूम पड़ जाता होगा बट द फर्स्ट आंसर वी गेव वॉज राइट बिकॉज यू गाइज लव मी सो मच आई ऑल्सो लव यू गाइज सो मच सो विष्णु फ्रीक्वेंसी बैलेंसिंग Question mark when doing EQ with almost same frequency sounds bass kick pads. I think uh, Vishnu means to say that if there are similar range of instrument like bass kick and pad, how do you do frequency balancing? So uh, you have to listen ki, which frequencies are basically kind of masking each other if you have kick and bass. So if if your kick pronunciation is not happening in, in the track.

एंड देर आर लॉट ऑफ मेथड्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड सो मेनी टाइम्स इन माई सॉन्ग ब्रेक डाउन मैंने बताया है कि कैस किस तरीके से मैं पैड्स uh, को इक्ू करता हूँ तो उससे बेस गिटार पर इफेक्ट आता है या फिर किक को इक्यू करता हूँ तो उसे वोकल पर इफेक्ट आता है सो इट्स ऑल कोर रिलेटेड वेन यू आर इ सॉन्ग इट्स 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 नॉट अ सेपरेट थिंग इट्स अट्स देर आर सेपरेट ट्रैक बट इट्स अ वन इट्स अ वन थिंग एंड यू हैव टू फाइंड दैट प्लेस राइट प्लेसमेंट सो इट्स ऑल अब Checking about masking phases, phase face problems, and uh, creating spaces between uh, instrument. Arya, hello, sir. I really respect you a lot. I'm trying to produce my music and do some mixing in the box. So my question is that is big analog mixing console and the other analog hardwares are required to get that. बिग फैट मिक्स और द प्लगिन लाइक ओजोन और अदर मास्टरिंग एंड मिक्सिंग मास् मिकसिंग एंड मास्टरिंग इन द बॉक्स इज सफिशंट इफ़ दे आर सफिशियंट देन वाई प्रोफेशनल लाइक यू यूज दैट ह्यूज इक्विपमेंट्स टू गेट द साउंड एंड इफ़ नॉट वॉट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन टू मिक्सिस थैंक यू सर तो आर्या पहला डाउट मैं क्लियर करूँगा कि मिक्स उनके कोई बता नहीं सकता है कि ये हार्डवेयर में बहुत सारा हार्डवेयर यूज़ किया है या नहीं यूज़ किया है या इन द बॉक्स किया है ये पूरा पर्सपेक्टिव पे रहता है दिस ऑल ऑल इन द हेड आई टेल यू माई थिंक मैं आई आई बीन वर्किंग सिंस लाइक मेनी ईयर्स नाउ आई स्टार्ट अराउंड सम नाइनटी नाइन टू थाउजेंड सो आई हैव हैड माई हैंड्स ऑन एम मैकी उस टाइम का यू नो टेप्स ए डैट हाई एट डैट टेप रेडार एंड देन कमिंग टू साउंडस्केप प्रोटूल सो फ्रॉम दैट एनोलॉग टू डिजिटल फ्लिप I have worked on almost all the consoles, uh, SSL 4000, 9000, whatever series, you you name it, and uh, Neve, and most of all, a lot of hard hardwares I have with me. So I kind of you know in the process, many in sub hardwares character ko see hai apne brain me you know I've learned all the uh, character of these hardwares. So when I do uh, song mixes, uh, I'm able to crack the similar. वाइव एंड सिमिलर साउंड टोन इन द बॉक्स सो आई वुड सजेस्ट यू to टू बाई हार्डवेयर्स बहुत सारे हार्डवेयर्स खरीदो uh, पैसे जमा करो एक्सपेरिमेंट करो एक खरीद के यूज़ करो एक दूसरे के साथ यू नो शेयर करो सो दैट मल्टीपल पीपल कैन यूज मल्टीपल हार्डवेयर्स बिकॉज एंटिल नेस यू डोंट नो हाउ इट साउंड यू नॉट बी एबल टू क्रिएट इट इन द सॉफ्टवेयर से सपोज अगर कोई बोले कि यू नो आई वॉन्ट सैचुरेशन लाइक नीव कॉन्सोल सो There are a lot of ways to kind of, you know, create that saturation uh, through compression, through through EQs. It's not necessary that uh, you just take a saturator and apply it on that and crank it, and you know, we think that we saturate yeah uh, That's one way, but that's a preset thing. Uh, I think if we know the um, characters, then we'll be able to manipulate all these things with ourselves in the door with basic plugins only. So first, it's very important to. Get hands on hardware. Try using as much as analog. वही आपके uh, you know sound sense को enhance करेगा. Then after that and uh, जैसे मैंने बताया कि कोई mix उनके नहीं बता सकता है कि which door it was mixed on. Meet singer. What is the role of mix engineer in music? वॉट इज़ द वर्क ऑफ मिक्स इंजीनियर एंड हु इज़ हायर मिक्स इंजीनियर और कंपोजर और प्रोड्यूसर और musical <laughs> अरे यार ये तो बड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है <laughs> अब एक बड़ा छोटा यहाँ पर कोई नहीं होता है सब सब लोग अपने अपने एक एक सर्टेन गाना जब जब गाने बनाते हैं uh, मैं कंपोज़र इंजीनियर प्रोड्यूसर और म्यूजिशन और सिंगर सब की बात कर रहा हूँ तो अ सॉन्ग इन अ सॉन्ग एवरीबडी इज़ इन्वॉल्व एंड एवरीबडी हैज़ इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू नो their own soul uh, in that certain song so uh, i think musically everybody's is equal yeah, if, if if a lot of people are working in that same project or song wilson hi shadab i really like your videos of song breakdown i'd like i also like to see some production technique on how you approach and particular tones for the arrangement and how To detect muddiness and make sound clear when sending it to mix engineer. तो विल्सन बेसिकली मैं प्रोडक्शन तो करता नहीं हूँ टाइम नहीं मिल पाता है बहुत इंटरेस्ट है मुझे छुप छुप के जो करता हूँ वो बट प्रोडक्शन के दर लॉट ऑफ अदर वीडियोज़ यू नो लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स आर मेकिंग वीडियोज़ टू टू टेल यू हाउ हाउ दिस थिंग्स आर डन यूल फाइंड मेनी ऑन यूट्यूब एक्चुअली और रेस्ट अगर मिक्सिंग चाहिए तो यू कैन वॉच वीडियो माई वीडियोज देयर वही तो बताता हूँ मैं ओके निमित लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वुड लव इफ यू कुड शेयर योर टिप्स फॉर मिक्सिंग सैम्पल ड्रम प्लस बेस सिंस मेनी सैम्पल ऑलरेडी मिक्स एंड स्पाइसड अप एंड इफ यू आर फीलिंग जेनरस यू कैन ऑल्सो शेयर योर ट्रीटेड गिटार्स ट्रम स्पेशली इफ यू आर फीलिंग इवन मोर जेनरस कैन वी हैव अ सेशन वेन यू मिक्स ऑन अ लाइव स्ट्रीम सब कुछ चाहिए निमित को ओके निमित सैंपल्स डेफिनेटली आज के डेट में बहुत अच्छे सुनाई देते हैं लॉट ऑफ एवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ साउंड ऑफ ऑडियो सैंपल बट जब मल्टीपल सैंपल आके एक साथ एक जगह पे आते हैं तो वो फाइट स्टार्ट होता है कि मैं बड़ा तुम बड़ा मैं सुनाई दो तुम सुनाओ दो तुम सुनाई दोगे ऑल दैट केवा स्टार्ट सो उधर ही सारा गेम है टू हाउ हाउ यू बैलेंस अ ट्रैक एंड हाउ यू क्लियर ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज एंड हाउ यू काइंड ऑफ गेट इट ऑल टुगेदर नाउ सेकेंड थिंग इज जनरस डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि मैं दे पाऊँ बट मैं दे नहीं सकता हूँ बिकॉज यू नो दिस इज नॉट माई माई ओन प्रॉपर्टी द सॉन्ग्स विच आर टॉकिंग अबाउट एंड आई कैन नॉट मिक्स ऑन लाइफ बिकॉज इज ऑल अनरिलीज सॉन्ग्स Uh, I have to mix it. Then it I'll have to mix it. Then it goes for release. Uh, I'm doing few things. Uh, actually, I was busy so uh, two three months, but I'm doing few things uh, so that you know I can give the session uh, to you guys to check it out, or maybe give the waves to mix it back, mix it and send it back to me. Uh, the mix competition which I was talking about. तो वो हो आ, प्लान में है चल रहा है उस पर काम चल रहा है नाउ आई गॉट एम गोना स्टार्ट दिस बिकॉज माई स्टूडियो वर्क वॉज गोइंग ऑन सो आई वॉज नॉट गेटिंग टाइम फ्रॉम पास थ्री मंथ्स इट वॉज वेरी हैक्टिक स्टूडियो देन डेडलाइन सॉन्ग्स बाल भी नहीं कटाए थे मैंने अब भी जाके बाल कटा के आया थोड़े दिन पहले <laughs> आदित्या hmm, आदित्य स्क्वायर हेलो शादाब सर इट्स मी आदित्य आई हैव टू क्वेश्चन वन शुड बी डू मिक्स इन मोनो एंड देन स्प्रेड द एलिमेंट इन स्टीरियो स्पेक्ट्रम टू यूजिंग क्यू इज़ रियली हेल्पफुल और नॉट शुड वी डू मिक्स इन मोनो एंड देन सेपरेट द एलिमेंट इन स्टीरियो नहीं यार नॉट इन आई नो आई मैं तो नहीं करता हूँ ऐसा बहुत कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट करना अपने आप पे Uh, मुझे तो स्टीडियो में ही सुन के मालूम पड़ जाता है कि मोनो में ये कैसा सुनाई देगा बिकॉज आफ्टर सर्टन टाइम यू गेट यूज टू यूज टू इट वेन यू कीप डूइंग इट मिड साइड ई क्यू हेल्प्स क्या यू कैन डू मिड साइड ई क्यू बाई एनी एनी मिड साइड थर्ड पार्टी प्लग इन डॉ मे बी इंटरनल डॉ इट हेल्प्स टू क्लियर अप समाइम समू नो ऑन अ मास्टर चलो ठीक है एक बताता हूँ अभी मास्टर पर अगर लो फ्रीक्वेंसी पॉप नहीं हो रहा और बहुत ज़्यादा फेज का इश्यू uh, आ रहा है जहाँ पे लो लॉक हो रहा है मतलब इट्स स्टॉपिंग इट्स नॉट काइंड ऑफ यू नो कमिंग आउट सो ट्राई डूइंग दिस थिंग टेक अ मिड साइड एक यू ट्राई टू कट साइड्स का लो फ्रीक्वेंसी फॉर ट्वेंटी टिल थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी एंड सी योर लो फ्रीकुवेंसीज इन मोनो विल स्टार्ट ब्रीदिंग सो दिस अ स्मॉल स्मॉल थिंग यू कैन ट्राई इट्स गुड मिड साइड एक यू इज़ गुड एक्चुअली can you uh, please explain listening environment ear fatigue and headphones for mixing nayan so nayan listening environment uh, make uh, any environment you can listen uh, uh, i prefer listening in low volume i prefer working in low volume i uh, prefer uh, even if i'm uh, listening on uh, anything on my headphones or, or, or in-ears or speaker और वाइल्ड वर्किंग uh, मैं हमेशा थोड़ा कम वॉल्यूम पे ही काम करता हूँ बिकॉज फटीक नहीं आता ईयर फटीक और यू कैन गो फॉर वेरी लॉन्गर आर्ज मतलब आप काफ़ी ज़्यादा टाइम काम कर सकते हो एंड विच इज़ एंड हेडफोन फॉर मिक्सिंग हेडफोन आई थिंक ट्राई डी टी सेवन सेवनटी इज़ दे डी टी नाइन नाइनटी इज़ देर आर कपल ऑफ मोर हेडफोन्स आई एम नॉट काइंड ऑफ यू नो याद नहीं आ रहा मुझे मैं यूज़ नहीं करता हूँ हेडफोन ज़्यादा आई मोस्टली प्रिफर मोनिटर्स आई एम नॉट सो मच यूज़ to do mixing or you know any kind of work on headphone i just enjoy headphone normal travelling mein sunne mein gaana sunne mein that's all what metering do you refer while mixing dbfs or vu meter shubham yaar ye bahut mere liye bahut mushkil sawal hai kyunki main nahi dekhta metering so sorry guys don't get spoiled because of me uh, <laughs> तुम लोग technically सब देख vek ke lo मैं थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल हूँ थोड़ा नितेश थापा फर्स्ट क्वेश्चन हाउ टू पोजिशन ट्रैक फ्रंट एंड बैक यूजिंग डिले एंड साइड सेकंड क्वेश्चन हाउ टू एक्टिवेट वाइड डेप्थ एंड स्पेस इन द मिक्स एनी टिप एंड ट्रिक्स थर्ड हाउ टू कंट्रोल फ्रीक्वेंसी क्लैशिंग हाउ टू पोजिशन ट्रैक फ्रंट एंड बैक सो पोजिशनिंग द ट्रैक फ्रंट एंड बैक यू कैन डू इट बाय वॉल्यूम यू कैन एड एम्बियंसिस Uh, if you add ambience, uh, say suppose you have a dholak or tabla or maybe a snare or something which is very kind of on the face uh, recorded. So if you add ambience on multiple layers, different room ambience, plate ambience, or different kind of ambience, or short ambiences, it'll take your track a little further and and, and behind. Uh, then uh, yeah, delay, delay nahin. um reverbs, ambience basically. Midside EQ se bhi aap front and back में how to achieve width, depth, and space in the mix? Width, depth is uh, it's all about how clean your frequencies are. So uh, I've seen um, um, like a lot of people they kind of put a widener plugin and they just made the whole track uh, wide. I know it sounds nice, but it's not that mono friendly. Uh, and second thing is uh, it kills the 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 low mid space. Suddenly the tracks start sounding clean by those widening. वाइडनिंग प्लग इन्स बट एक्चुअली जो ट्रैक का मजा है ना जो मोमेंट है ना वो निकल जाता है इफ अगर प्रोडक्शन स्टेज पर कर रहे हैं और उस हिसाब से करते हुए यू नो मैनेज किया तो इट्स कूल आई मीन वो मैनेज कर सकते हैं बट वो बाद में इट ऑल डिपेंड्स ऑन द संग डिज़ाइन तो ट्राई टू कीप द फ्रीकुेंसी इज़ वेरी क्लीन नॉट क्लमजी देन ओनली यूल गेट दैट विथ इट्स नॉट नेसरी दैट यू टेक अइडनर प्लग इन एंड जस्ट एक्सपेंड

स्टार्ट मेकिंग दैट कचर पचर पचर थिंग वो सब का ध्यान देना पड़ेगा टेक केयर ऑफ लॉर्ड ऑफ केयर अराउंड थ्री के फोर के सिक्स के दिज आर वेरी यू नो गुड एरियाज एंड एट द सेम टाइम सिमिलरली बैड ऑल्सो दस अ लोअर एंड इज़ अ वेरी गुड एरिया इफ यू हैव इट क्लीन एंड नाइस बट इफ इट इज़ नॉट क्लीन एंड नाइस इट्स लाइक लाइक अ गुंडा सो बस वही मिक्स में क्लैरिटी रखने का तो उससे आ जाता है दीपांशु हाउ कैन अ नॉन सेलिब्रिटी म्यूजिक बैंड अप्रोच अद्रैक हाउ मचारेट हाउ मच यू चार्ज बताता हूँ मैं बाद में फोन पे यू कैन अप्रोच मी यारीन लॉर्ड ऑफ पीपल मैसेज मी ऑन ऑन इंस्टा फेसबुक दे कॉल मी एंड आई डू विक विथ लॉर्ड ऑफ न्यू बैंड्स लॉट ऑफ न्यू म्यूजिशंस बिकॉज वो में बस थोड़ा सा एक कंडीशन रहता है कि मुझे गाना अच्छा लगता है तो मैं कर, कर देता हूँ uh, क्योंकि टाइम क्रंच बहुत ज़्यादा होता है यू नो मोर देन एनी थिंग तो समाइम वॉट आई डू इज़ इफ आई एम लाइकिंग एनी बैंड विच दे काइंड ऑफ यू नो दे मेक रियली कूल सॉन्ग सो आई जस्ट टेल दैम क्योंकि इफ़ आई एम नॉट एबल टू मिक्स आई एल मास्टर इट so they kind of manage in mix and they send me for mastering so there are a lot of ways where i work with new people also so it's not shouldn't be a problem with the pancho <laughs> Navit Parvez, how do you mix slash what procedure do you take for a song which consists of more than 200 tracks or a song that's huge has huge arrangement

Uh, was uh, Kalank Kalank uh, album was one of the most difficult 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 album for me to mix because it had so vast massive uh, uh, groove layers rhythm layers live taken uh, in different studios multiple places to make it sound large. So we uh, all were looking for a very large sound yet very modern and very clean it should not sound dated. So that album. Uh, Took a lot of effort. It was very challenging, actually, and um, thank you to Mr. Pritham Chakraborty, who kind of you know uh, made this kind of uh, song. He's put in very uh, different effort, and team, uh, entire team worked day and night for for that particular album. It was fun, good fun. Uh, balancing tricks, Ek बैलेंसिंग <laughs> ट्रिक्स क्या होता है बैलेंसिंग ट्रिक्स कुछ नहीं होता है ट्रिक्स uh, नहीं होता है म्यूजिक में ट्रिक्स नहीं होता है गाना बनाने का कोई ट्रिक होता है क्या या फिर यू uh, नो uh, you know, गाना गाने का या इंस्ट्रूमेंट बजाने का या सीखने का कोई ट्रिक नहीं होता है एक ही ट्रिक है प्रैक्टिस बस तो हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सब हो जाएगा सुमित्रा दास वॉट इज़ द फर्स्ट कमर्शियल हिट सॉन्ग शादा अपर मिक्सड एंड मास्टर सुमित्रा आई डोंट रिम्बर इट्स बिन अराउंड ट्वेंटी ईयर्स सो देर आर आई थिंक थाउजें क्योंकि मुझे बहुत कुछ याद रखना पड़ता है तो मैं जनरली सब भूल जाता हूँ मैं सिर्फ मेरे काम जो मुझे करना है कल क्या करना है मैं सिर्फ उसके बारे में ही ज़्यादा सोचता हूँ शुभम वुड रेफरेंसिंग आर ट्रैक बल मिक्सिंग एंड मास्टरिंग मेकअस लेस ओरिजिनल यूनिक और हाउ डू वी एड आर यूनिकनेस टू द मिक्स एंड मास्टर सो रेफरेंसिस डेफिनेटली इफ यू आर इन प्रैक्टिस मोड एंड इफ यूर कईंड ऑफ यू नो वॉन्ट टू टेक रेफरेंसिस इट्स गुड रेफरेंसिंग रेफरेंस इज अ वेरी गुड पॉइंट टू स्टार्ट मिकसिंग विद जब मैं मतलब बहुत साल पहले अप टू इट्स बीन क्वाइट लॉन्ग बिकॉज Mm, briefs aate to you know we get uh, we have to create things from the scratch but then uh, references helps you a lot in terms of overall you know loudness overall spectrum balance uh, how well the make sure that the song has a very well balanced spectrum whatever is happening you know it has to sound very even in terms of you know overall sound whether it is bharawa khali or loud or 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 very एम टी और वन और टू इंस्ट्रूमेंट तो अभी यूनिकनेस का क्या है कि यूनिकनेस में इट्स ऑल अबाउट कैरेक्टर इफ इफ समबडी एल्स इज मिक्सिंग द सेम सॉन्ग इट साउंड गुड इट हैव अ डिफरेंट कैरेक्टर बिकॉज दैट पर्सन इज एडिंग एडिंग हिज ओन आइडेंटिटी टू दैट सो यूनिकनेस आई थिंक human ke khud ke character se aata hai Uh, जैसे कि प्लेयर्स होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं सिंगर्स होते हैं कंपोजर्स हैं इन एवरी द पर्सन दैट्स हाउ वी गेट यूनिकनेस अश्विन सेज ड्रीम कम ट्रू अश्विन ने इससे पहले भी कुछ बोला था ऊपर शायद नहीं नहीं बोला था मैं स्क्रॉल करके देखता हूँ मुझे ऐसा लग रहा है नहीं अच्छा ठीक है हाँ हाँ बोला था या सी <laughs> तो अश्विन से ड्रीम कम ट्रू यस ड्रीम डू कम ट्रू इफ वी कीप ड्रीमिंग बिकॉज एक ड्रीम ख़त्म होता है तो दूसरा ड्रीम दिखना चाहिए तो जब पहला वाला जब दूसरा वाला स्टार्ट करेंगे ड्रीम पे काम करना तो पहला वाला अपने आप ट्रू हो जाता है प्लीज एक्सप्लेन हाउ डू यू हाउ डू यू गो अबाउट मैक्सिमाइजिंग द फाइनल आउटपुट वेन आई टेक care of LUFS minus 1314 or loudness suffers or vice versa? Also does temporary lfs reading also matter or else only long term to keep in mind? I had a song done recently I took care of long term took care of long term but still on YouTube the quality suffered. Was that because of few recordings or short term LUFS going to was that because of few readings or short screen, readings uh, or short term LUFS going to ट्वेल्व लेवन एट टाइम प्लीज हेल्प मी विद दिस वैभव एज आई से बिफोर मैं तो इतना नहीं देखता बट देर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर दिस आई सी वॉट आई आई वॉक इन वेरी लो वॉल्यूम सो आई हैव दिस डेंजरस का वॉल्यूम कंट्रोलर एंड इट्स इट्स ऑलवेज दर ऑन सिक्स ओ क्लॉक काइंड ऑफ वॉल्यूम विच डजेंट प्रोड्यूज even uh, I think 60 decibels also, uh, 60, 65 or maybe, yeah, 60, 65 decibels or 55 decibels to 60 decibels के बीच में ही मैं काम करता हूँ। तो जब मैं उस certain volume पे play करता हूँ, तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि the song has that power or not or I still need to give in more power. तो ये सारे चीजें मैं decide करता हूँ from the processing, from compression, from limiting, from EQs. Uh, uh, I don't put any LFS meter as such and see what is happening. So I'll not be able to help you with this. But there are a lot of videos you can watch. मैं पता नहीं वो सब देखता हूँ तो मेरा गाना बिगड़ जाता है तो मैं गाना मिक्स करता हूँ। <laughs> Hello sir, this is Arindam here. Hi Arindam, Arindam here and from Sonali ID. Okay Arindam. Please discuss about gain staging during recording, mixing, and mastering and what is the right level of gain while exporting track for mixing and completing the production work. Gain staging, just make sure uh, uh, your track doesn't distort. Uh, if you really want to take care and if you really want to uh, keep your track very clean, so uh, from the start itself, you have to take care of gain staging we are putting in. So cake itself is on on like almost zero dB and then we put bass and then we try to reduce the cake and then we try to reduce the bass because the master is distorting or maybe everything is distorting and we reduce the master. So these are wrong ways. These are basically uh, uh lazy ways to just kind of carry Bad jayega type. So there only everything gets spoiled. Um take care of gain staging that the track doesn't distort your master if you're playing everything your master should not distort. नॉट इट शुट बी लाइक कि मास्टर पे डाल के वॉल्यूम कम किया है या मास्टर को खींच दिया है बिकॉज वो रेड पे क्लिप हो रहा है क्योंकि एवरी टाइम योर ट्रैक इज़ फुल योर किक इज़ योर आर हिटिंग वन ट्वेंटी सेवन वेलॉसिटी एंड योर किक इज़ ऑलमोस्ट जस्ट राइट बिलो जीरो डेसिबल्स सो वॉट हैपन दैट यू ऑलरेडी लॉस्ड द देडरूम बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू एड अप लग इन एंड डू ऑल द So, these tweaks are going above zero dB. So, you are basically adding noises. You are adding saturation also. But if you are aware of how to create a good saturation out of it, it's very well. Otherwise, you are basically adding those extra pseudo frequencies which are not necessary and which is adding, getting added by the saturation. Or slowly, slowly, track, everything starts sounding clumsy in less element also.

दो दो तीन तीन महीने एक ही जगह पे खाना पीना सोना <laughs> और गाने मिक्स करना ये करते हैं अप्रोच टूवर्ड्स मास्टरिंग अप्रोच टूवर्ड्स मास्टरिंग मैं तो बताता हूँ मेरे वीडियोस में तो उधर देख लो सूजल फिर से पूछ रहे हो और फ़ोन पे भी पूछते हो डिड यू एवर फेल एनी सॉन्ग वेल मिक्सिंग ओवर प्रोसेसिंग ओवर प्रोसेसिंग या कभी होता है ऐसा वेन आर इन सम सर्टन स्पेस एंड यू प्रोसेस द ट्रैक तो कभी कभी चले जाते हैं एंड देन वी शुड नो वेंट टू पुल बैक How you mix songs for 5.1? It's a very different uh, uh, 5.1 Atmos, 7.1. It's it's kind of a very different thing than stereo because in stereo we have only two channels to to fit in all the information. And uh, when you go to Atmos or surround, you have this multiple channels. So now it's a happy thing that we got so many speakers to place our sounds and uh, and uh, we have more headroom to fit in things in a better way.

देखो मैंने एक्चुअली uh, मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट इसलिए किया ताकि लोगों को अपार्ट फ्रॉम सिक्सटी हर्ट रंबल अपार्ट फ्रॉम फोर हंड्रेड मर्ड एंड ऑल दैट एक अलग uh, uh, चीज़ डायरेक्टली बता मतलब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और बहुत सारे इंजीनियर्स मिक्स इंजीनियर्स ऐसा सोचते हैं बट हम लोग uh, क्योंकि uh, इतना फंस जाते यू नो इन ऑल दिस मैथमेटिक कैलकुलेशन दैट बी end up uh, moving our perspective from what song needs. Uh, uh, so song का सबसे important चीज़ है कि approach तभी आप सही रह सकते हो जब आप उस गाने को समझोगे uh, अगर आप एक uh, idiom mix कर रहे हो तो you should be able to to you know put that idiom sound in your head then only able to uh, create दैट होल वाइब इन द मिक्स अगेन इफ़ यूर मिक्सिंग अ गज़ल इफ़ यू आर मिकसिंग फोल्क सॉन्ग इफ़ यर मिक्सिंग अ सूफी सॉन्ग तो आपको ये सारे गाने सुनते रहने पड़ेंगे मतलब यू आर टू कीप लिसनिंग आपको जितने गाने रिलीज़ होते हैं वो सब सुनने पड़ेंगे दैन ऑनली आप स्लोली स्लोली सारे जॉनस के स्पेक्ट्रम और उसके उसके जो आइडियल बैलेंस है और उसका जो एक अप्रोच है उसको आप रख सकते हैं एंड सिंस आई मिक्स ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग्स ऑल्सो सो सो देर आर मल्टीपल जॉनर्स मिक्सड इन इन द सेम सॉन्ग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू काइंड ऑफ यू नो फिगर आउट योर ओन वे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी वॉट सॉन्ग सेज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाना क्या बोलने की कोशिश कर रहा है गाना अग्रेसिव है कि मेलो है जैसे सेठ सूफी है रॉक है इसलिए मैं मेरे ब्रेकडाउन में सब अलग अलग टाइप के गाने खोल रहा हूँ यू नो वन इज़ प्योर वेरी वेरी डिफरेंट वन इज़ बैंड टाइप ऑफ साउंड वन इज़ pure Bollywood. One is you know, uh, like a different approach towards everything. One is Inke Minke, one is Hawaii. So they both are different world all together. So how how you come and uh, create all these things when you listen to song? Jab when you listen to song for mix, wo gana mix ho jana chahiye sir ke andar. Bas that's all. Wo वो एक बहुत important चीज़ है अगर वो इधर mix नहीं हुआ ना तो वो री जनरेट सी क्या होता है हम गाना खोलते हैं हम स्टार्ट करते हैं और हम मिक्सिंग स्टार्ट कर देते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए वो गाना सुनते हमारे सर के अंदर मिक्स बजना चाहिए विद द मास्टर वी शुड नो दैट इन फाइनल ये ऐसा सुनाई देना चाहिए तो देन वॉट योर जॉब इज़ टू सिट एंड जस्ट रेप्लीकेट वॉट इज हैपनिंग ओवर हियर इन साइड योर हैड यू डोंट हैव टू सिट एंड फाइंड आउट कि अब मैं क्या करूँ अब मैं क्या करूँ सो हाफ ऑफ द टाइम हम लोग उधर फंस जाते हैं कि हमारे हेड में गाना बना नहीं रहता है तो वो है प्लस सेकेंड थिंग डेफिनेटली यू वन नीड टू अंडरस्टैंड प्लग इन का कैरेक्टर जैसे मैंने बोला हार्डवेयर्स के कैरेक्टर है अभी जैसे मैं अगर मैनली ई क्यू यूज़ कर रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल हार्डवेयर तो अभी मैं मैनली ई क्यू इफ आई एम इफ़ आई गेट इफ़ आई गेट अफ आई गेट अ सूफी सॉन्ग और से और एनी काइंड ऑफ यू नो दिस काइंड ऑफ स्टफ़ मेलेडी सॉन्ग और समथिंग विच हैज़ मल्टीपल लाइव इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स मोर रफ मोर मोर यू नो मोर अर्दी सो Uh at that point of time i'm going to use uh manly uh, eq maybe on vocal maybe on master maybe on this if it suits but if i'm getting a hard-hitting electronic track uh, which is like edm i would not prefer uh, uh manly eq mastering eq on that because edm uh, works on a different space altogether they are, they work on on swings so uh swing is something so uh, it has two

साइड चेन बेस्ड हैवी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक कर रहे हो तो यू नो दैट देन एट दैट लिमिटर शुड बी हर्ड शुड लिसन टू द लिमिटर दैन गेट दैट होल होल ग्रूवीनेस गेट दैट एनर्जी बेसिकली बिकॉज और अगर हम सूफी सॉन्ग कर रहे हैं तो विल हाइड द लिमिटर एंड कंप्रेशन विल डू इट बट इन टर्म्स ऑफ टू शेप टोन शेपिंग बट वो जो कंप्रेशन सुनाई देता है आई ट्राई टू हाइड इन दैट इट ऑल डिपेंड्स ऑन सॉन्ग 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 यार एवरी थिंग इज ऑन सॉन्ग Uh, Vishesh, Mr. Vishesh, what do you say? Uh, long question, okay. We are fortunate enough to live in such an era where geniuses like you are sharing so much of knowledge based amongst the upcoming sound engineers and music producers. Thank you so much for great work. Thank you, Vishesh. And my question to uh, Shadab sir is, what are the different kind of disturbing frequencies in the eq spectrum of any of the sound which is disturbing the sonic spectrum of the song for example honky muddy nasal tone boxy etc etc et please explain which is an example and how do we detect them then shape them with the help of five filter q2 thanks in advance so uh, five filter q2 pick Acha option you can notch and listen to only that certain frequency it's a good thing mm, sometimes we get cheated also बिकॉज कभी कभी कोई रेजोनेंस बहुत ज़रूरी होता है गाने के लिए बट हम um, कार्ड देते जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू दर अ सॉन्ग कॉल घर खाली है जो तेरे बिना फ्रॉम हैरी मेट सेजल घर सो इफ यू लिसन टू घर मिक्स और घर साउंड इट हैज़ अ वेरी हॉलो काइंड ऑफ वोकल ट्रीटमेंट वेरी हॉलो रिवर्ब एंड अ वेरी हॉलो काइंड ऑफ वॉइस ट्रीटमेंट सो इट इज़ डन बिकॉज द लिरिक्स एज़ खाली है जो तेरे बिना मैं वो घर हूँ तेरा तो यू नो टू शो दैट एम्टीनेस तो अगर मैं उस गाने में वो मडीनेस काट के निकाल दूंगा या वो हॉलोनेस या वो जो एक सडन एक हॉन्क रिवर्व चल रहा है वो निकाल दूँगा तो वो सॉन्ग के वाइब्स से उसको बाहर कर देगा सॉन्ग सुनाई देगा बहुत क्लीन बट एक जो इमोशन है गाने का सॉन्ग का जो एक स्टोरी है वो वो नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें हॉकी मडी नेजल बॉक्सी ये सब अच्छी भी है और बुरी भी है इट डिपेंड्स कि हमको क्या चाहिए हम हमको सारे ट्रैक्स को एक जैसा नहीं सुनना चाहिए कि दस अगर ट्रैक है तो अरे नहीं यार वॉइस इसमें थोड़ा और ब्राइट होता तो मज़ा आता था नहीं वो गाने पे डिपेंड करता है कि इसमें वॉइस ब्राइट चाहिए कि नहीं अगर हम एक सूफी सॉन्ग कर रहे हैं और उसमें एक ब्राइट वॉइस पॉप ब्राइटनेस जैसा हमने वॉइस को प्रोसेस कर दिया तो वॉइस आफ गट अ साउंड वेरी नाइस क्रिसपी

जैज़ मिक्स कर रहे और हम जैज़ में स्नेयर को यू नो एकदम ऐसा इलेक्ट्रॉनिक ईडियोशी की वजह से प्रोसेस कर दिया तो इट नॉट फिट इन टू जेज़ सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू सी दैट हाई फ्रिक्वेंसी इज़ गुड इन अदर सॉन्ग इन ईडियम बट इट्स नॉट गुड फॉर दिस सर्टन म्यूजिक सो एवरी फ्रीक्वेंसी इज एवरी नोट एंड एवरी फ्रीकुंसी इज गुड गुड इज जिस दैट इट्स ऑन द रॉन्ग प्लेस सो वी नीड टू फाइंड दैट एंड ओनली पॉसिबल वे टू फाइंड इट इज़ टू डूंग इट या दैट्स द ओनली विद देर आर नो शॉर्टकट्स में इसीलिए मैंने uh, मैं, मैं मेरे सेशंस खोलता हूँ मैं दिखाता हूँ बिकॉज uh, मुझे पता है कि इट्स नॉट अबाउट फ्रीक्वेंसी इट्स अबाउट समथिंग एल्स इट्स अबाउट हाउ यू गेट इन द संग एंड हाउ यू ट्राई टू यू नो लिव द सॉन्ग एंड हाउ यू ट्राई टू डू हाउ यू फील द संग वेन यू आर मिक्सिंग अ सॉन्ग ना यू शुड वैन यू आर प्रोसेसिंग वोकल यू शुड फील दैट यू आर अ सिंगर इफ यू आर अ सिंगर एंड You cannot do यू कैन नॉट डू ओवर कम्प्रेशन if you know how to mix and if you're a singer you will not over compress your your vocal. If we don't know then we are going to do it. But अगर मैं सिंगर हूँ और मेरी कुछ चीज़ें हैं कुछ न्योन्स हैं जो मुझे दिखाने के हैं बट मेरे वो कंप्रेशन से और फ्रीक्वेंसी कटिंग से वो चीज़ें लो नोट गायब हो जा रही है या हाई नोट्स आर वेरी शिली तो थिंक लाइक अ म्यूजिशियन वैन आर डूइंग गिटार थिंक लाइक अ गिटार इज वन आर डूइंग ड्रम्स थिंक लाइक अ ड्रमर दैट इफ a अ ड्रमर हाउ एम गन टू हिट द ड्रम्स हाउ हाउ आई हाउ कैसा मुझे वो मतलब हाउ इई यू नो हाउ उड आई वॉन्ट इट तो यू हैव टू बेसिकली थिंक इफ यू आर लिसनिंग एवरी थिंग कम्बाइंड देन यू हैव टू थिंक एज अ प्रोड्यूसर म्यूज़िक प्रोड्यूसर दैट इफ आई एम अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर हाउ कैसा क्या शेप जो जिस बंदे ने जिसने भी म्यूज़िक प्रोडक्शन किया है वो क्या सोचता होगा उसने क्या सोच करके ये एलिमेंट्स डाले हुए हैं उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान uh, um, में रखना पड़ेगा एंड वेन यू आर डन विद द सॉन्ग विच आर लिसिंग टू द मास्टर यू हैव टू थिंक लाइक अ कंपोजर दैट इफ इफ दिस इज माई सॉन्ग इज दिस अपीलिंग टू मी यू नो आई हैव द रिपीट लिसनिंग वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सॉनिक वे अगर मैं चार बार सुन रहा हूँ और मैं बोर हो जा रहा हूँ या मैं इरिटेट हो रहा हूँ तो दैट मीन्स यू नो वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग तो मैं मिक्स करता हूँ मेरा मिक्सिंग का टाइम कम होता है और लिसनिंग का टाइम ज़्यादा होता है तो मैं मिक्स करता हूँ और मैं बस यू नो आई टेक द सॉन्ग आई कीप लिसनिंग टू इट ऑन हेडफोन सम वे कभी नो you ट्रैवल know, कर रहा हूँ खाना खा रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ जब भी बीच में गैप मिलता है तो मैं वो सुनता हूँ और फिर ट्राई कोशिश कर कोशिश करता हूँ कि इसको कैसे और इंटरेस्टिंग बनाया जाए इसको और कैसे ज़्यादा म्यूज़िकल मतलब ये जाना जब गाना बजे तो लगे कि वाओ यार समथिंग इज़ यू नो मेल्टिंग सम देर सम काइंड ऑफ फील इन इट तो ये सब कुछ प्रैक्टिस है सब कुछ म्यूजिक सुनने पे है आप लोग म्यूजिक सुनो यार बहुत सारा म्यूजिक सुनो मतलब तोड़ दो म्यूजिक सुन सुन के इतना सुनो इतना सुनो इतना सुनो कि दिमाग बोले कि पागल हो गया क्या है क्या है तो म्यूजिक सुनता रहता है दिन रात सो देन इट विल गो इन साइड यू इट गो इन साइड यूर मसल मेमोरी एंड उसके बाद फिर जो करोगे वो मज़ा ही आएगा mm. uh, मतलब ये तो मज़ेदार चीज़ है म्यूजिक इज एन अमेजिंग थिंग मुझे तो बहुत पसंद है <laughs> अविनाश चतुर्वेदी एके सी स्टूडियो से सुपर सुपर अविनाश एंड थैंक यू गाइज आई थिंक आई थिंक आई एम डन विथ ऑल द कमेंट्स विच वॉर देर विच वॉज देर ऑन सुदीप्स ऑडियो ओ इट्स बिन फाइव मंथसाँ क्वेश्चन कम्युनिटी क्वेश्चन और आप लोग ये जब तक देखो फिर मैं कुछ दिनों में सॉन्ग ब्रेक डाउन भी लेके आऊँगा बहुत इंटरेस्टिंग सॉन्ग लेके आऊँगा मैं बताऊँगा नया तरीका बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग न्यू वी आर काइंड ऑफ इवॉल्विंग इन साउंड सो सो दिस इंफॉर्मेशन विल कीप कमिंग हैव पेशेंस एंड सब्सक्राइब टू सुदीप पॉटियो चैनल सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो आर तब लोग सब्सक्राइब करोगे तो मैं और वीडियो बनाने का मुझे मन होता है वो और ढीला रहता है तो मुझे लगता है अच्छा ठीक है कोई इंटरेस्टेड नहीं तो मैं क्यों बनाऊँ यार uh, क्योंकि पैसे तो बनाता नहीं हूँ मैं उससे यूट्यूब से <laughs> मुझे तो उल्टा कॉपीराइट स्ट्राइक आते हैं बतान मुझे मज़ा आता है कि सब लोगों को यू you नो know, एक, 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 एक मेन स्ट्रीम गाना सुन के सबको देखने का मौका मिल रहा है कि यू नो हाउ हाउ थिंग्स हम कैसे काम करते हैं इन आ, इन आ प्रो सिनारी सो so, कुछ डिपेंड नहीं करता है नथिंग इज़ इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम एवरी थिंग इज इम्पॉर्टेंट इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू यू नो सी थिंग्स हाउ यू हियर थिंग्स एंड हाउ यू आर काइंड ऑफ टेकिंग अ कॉल ऑन सर्टेन थिंग एंड हाउ वेल यू आर विद योर टीम बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपका टीम आपके फ्रेंड्स जिसके साथ काम कर रहे हो उनका और आपका इक्वेशन बहुत uh, अच्छा होना चाहिए

टाइट रहता है मेरा टाइम शेड्यूल बट मैं रिप्लाई करता हूँ सबको टाइम लगता है और मैं वीडियो बनाऊँगा जाओ मेरा भी चैनल सब्सक्राइब करो ढूंढो मिल जाएगा एंड टेक केयर बाय बाय